नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जम्गो टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निकोबांगो इलाके में। यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा आज जो है यहाँ का जो निकोबांगो एरिया जो NBWS यानी कि निको वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपना जो निको इलाका जो जितना भी यहाँ से जो हिसाम ब्रिज जहाँ पर मैं कर रहा हूँ ये जो हिसाम ब्रिज है यहाँ से लेके जो निको इलाका जो हिसाम ब्रिज से लेके जो गाबू तक पड़ता है। तो आज NBWS द्वारा यहाँ पर जो है एक पेट्रोलिंग का जो निर्माण रखा गया है जो आज यहाँ से लेकर जो है अपना निको एरिया को पूरा वो लोग पेट्रोलिंग करने जा रहा है। तो आज इस हाईवे बनने के कारण जो हाईवे कंप्लीट होके जो बन गया यहाँ पर जो निको एरिया जो टाउन से लेके जो निकोबांगो एरिया तक जो उस चीज़ को लेके यहाँ पर जो काफ़ी जो यहाँ पर जो युवा युवक जो है आके रास्ता के किनार बैठ के जो है दारू पीते हैं। बोटल्स जितने भी बोटल आइटम्स है उसे रास्ता के जो बीच में ही जो रास्ता के किनार में ही जो जहाँ पर आने जाने करते हैं उस बीच में पैक के रखते हैं। तो उस चीज़ को लेके और एक बार बताना चाहूँगा ये जो है फिर ऐसे भी सुना जा रहा है कि यहाँ पर जो ड्रग्स यूज़ करता है वो सब भी इसी रास्ता में बैठ के ही जो अपना जो ऐसे हरकत जो काम करते हैं। तो उस चीज़ को लेके NBWS द्वारा स्ट्रिक्टली आज से लेके चेकिंग शुरू हो रहा है। चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। पॉलिथीन ये जितना है ना कुरकुरे का क्या क्या ये है मिनरल वाटर का बोतल जहाँ तक फेंकता है और उधर नदी में भी फेंकता है बहुत पोल्यूट होता है। तो पैक कर लो इसको इकरा मत पाओ रूल्स को आप लोग पे ये कर लो पैक कर लो मतलब आने से भी ना इंजॉय करो उठी से ना लेकिन ये सब देखो जहाँ तक फेंकता है हकीम ये सब कोई हम लोग आज बोलने आए देखो उधर अब इसको पैक कर लो हाँ इधर अभी राउंड अप करके दोबारा आएगा यहाँ पकड़ते हुए दिखेगा तो हम लोग कोई नहीं आएगा। तुम कहते हो सर मतलब रॉन्ग बियर व्हिस्की एनी कैंस ऑफ लोकल जो भी हो नहीं पीना है हमें। हाँ और देर रात यहाँ पे नहीं बैठना है और यहाँ गंदगी नहीं फैलाना है। आप लोग लेके आते हैं ना मिठाई वगैरह जो भी आप लोग चिप्स वो जो भी खाते हैं उसको यहाँ नहीं फेंकना। अभी जैसे वो बाइक आ रहे हैं ना इसको नहीं फेंकना है इको बंग इधर आप लोग उधर वो काबू साइड में पीते हैं क्या उधर मना है ना तो यहाँ क्यों पीते हैं दोस्तों? यहाँ पोका पीना मना है पता है ना कितना बार मीडिया ब्रीफिंग करता है यहाँ पोका पीना मना है। आप लोग वो जो बोट टांग है उसको नहीं देखते क्या बोट को भी उधर क्यों फेंक दिया फिर भाई? देखो आप लोग तीनों कहाँ से है ना हम लोग निकोबांगो वेलफेयर सोसाइटी वाला है। हाँ आप लोग जो है बाद में यहाँ पोका लेके नहीं आना है नहीं पीना है घूमने आओ कोई बात नहीं उसमें हम लोग को कोई एतराज़ नहीं। और जो भी वहाँ से खाने पीने के लिए लेके आता है आप लोग चिप्स वगैरह जो भी मिठाई जो पैकेट लेके आता है उसको भी का अरे ऐसे फर्स्ट टाइम
दारू लेके यहाँ में बेचना मना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बियर कहाँ से लेके आए? लेके आए यहाँ में। हम लोग निको बंग वेलफेयर सोसाइटी है। ऐसे ऐसे पैक के से चला जाता है, इतना गंदा करके रखा है। लड़की बाजी मत करो ऐसे। अगर तुम दोनों प्यार भी करते लोवा रहे तो हम लोग क्या बोले ना, कपल है तो क्या बोलेगा। आओ मस्ती से बैठो, सबका सामने दिखा के बैठो, इधर पत्थर का पीछे मत बैठो। और तुम्हारा ये लड़की जो है ये नशा है? नहीं, ये नहीं पिया। नहीं, ये है नशा है। और ये यहाँ में कहाँ है दोस्त? क्या है देखो, पार्स जो है रूल्स को बताने से पहले तुम लोग सब अंदर आइए, है ना। हम लोग निको बंगो वेलफेयर सोसाइटी है, तो यहाँ में तुम लोग जो है बैठते हैं तो जरूर कोका पीते हैं। कोका मतलब रोम बियर। जो भी हो दूसरा का पत्नी है ना। क्योंकि हम लोग तो नून वो पार्क है और ये पार्क हम लोग एक जैसे ही होते हैं। फिर भी थोड़ा सा रूल को फॉलो करेंगे। बाहर वाला भी सुनिए ना, बाहर वाला भी फॉलो करेंगे ना, ना। तो फिलहाल आप दोनों यहाँ में हम पूरा दुनिया भर का गंदा। आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग का निको बंगो जुरिस्डिक्शन हिसम ब्रिज से लेके गाबू यानी कि सियांग डिस्ट्रिक्ट तक पड़ता है। तो आप जब देखेंगे तो इसका लोकेशन का इम्पोर्टेंट को आप जब देखेंगे तो ये एक टूरिज्म का अट्रैक्शन एरिया भी पड़ता है। तो कई बार हमने यहाँ में कोशिश किया कि साफ सफाई को लेकर के, तो कई बार आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से भी, खुद हमारे माननीय MLA खुद आया, DC खुद आया, यहाँ में काम भी करा, इस तरह से हम यहाँ में करते रहे। लेकिन फिर भी परिणाम नतीजा अभी तक इतना हम सक्सेसफुल नहीं निकला। तो यहाँ में हम आज जो पेट्रोलिंग के लिए आए थे वो इसलिए कि हमने इसको लेकर के डिप्टी कमिश्नर आलोक को भी पत्र लिखा और SP को भी इंटीमेट किया और OCPS को भी हमने इंटीमेट किया पेट्रोलिंग को लेकर। आप देखिए अभी ये जब हाईवे बनने के बाद में, खास तौर पे हाईवे बनने के बाद में, तो यहाँ में ज़्यादातर लोग यहाँ में आते हैं, चाहे दिन को, शाम को और सुबह को भी, तो यहाँ में ही आते हैं। तो हर अपना एक जगह में एक रेस्ट्रिक्शन रूल तो रहते ही, आप सब जानते ही हैं। हमारा यहाँ में भी इस तरह के रेस्ट्रिक्शन रूल्स है। तो यहाँ ये मुद्दा के साथ में थोड़ा सा एक जोर के बात कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ में भी आप किसी तरह का फिशिंग नहीं कर सकते, चाहे एंगुलिंग हो या नेटिंग हो, और फॉरेस्ट एसेट्स को भी आप यहाँ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, या किसी भी तरह से आप वहाँ में जाकर के नस्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ में आप आकर अफोंग नहीं पी सकता है बैठ कर के, कैंपिंग नहीं कर सकता है बिना इजाज़त का। यहाँ में रूल्स तो ऐसे हैं, लेकिन जब आजकल का ये समय में हम इन 2-3 दिन से हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि ये अभी हम जहाँ जिस जगह में करा है साइट में, ये आइलव आलो करके यहाँ में, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया था कि यहाँ में टूरिज्म को थोड़ा प्रमोट किया जाए, कि आलो का सुंदरता को लेके और खास करके हमारे निको बंगो एरिया का सुंदरता को लेके, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद बात रहे। लेकिन आप जब देखेंगे तो ऐसे रात को आप देखेंगे तो वहाँ से रास्ता का बगल खालबट में और कहीं में गली में
और नदी का किनार में यहाँ में पूरा हिसाम से लेकर गाबू एरिया तक पूरा हाथ में अपंग पकड़ कर बियर विस्की इस तरह का पूरा पकड़ कर बैठते हैं। और साथ ही साथ वो भी नहीं, आजकल का ज़माना में आप देखिए ड्रग्स से ग्रस्त जो युवा पीढ़ी है वो तो आलों में इतना युवा पीढ़ी है, छोटे से बड़ा हर उम्र का, वो भी ज़्यादातर देखा गया यहाँ में दिखाई देता है। आजकल तो जो भी ड्रग्स एडिक्टेड और ड्रग्स पेडलर यूज़र को साफ साफ देख के मालूम चलता है ये लोग है। तो ये सरकमस्टेंसेस में इस माहौल में हम लोग को थोड़ा शांति से रहना निको बांगो के लिए थोड़ा आसान भी नहीं है और हमेशा से कतरा बनते हैं, खास करके जो रात को यहाँ से आवाजाही करते हैं उन सभी के लिए। तो आप सब जानते हैं, फिर भी मैं दोहराना चाहूँगा, बहुत ही दुखद विषय, हमने बहुत दुख के दो दिन देखा निको बांगो खास करके। एक जो है हमारे गांव से ही जो आए थे आते थे एक लड़का को मारधर किया गया, तो उसको भी जब केस का छानबीन हुआ तो जा कर के कोर्स को मालूम चलता है वो भी कहीं ना कहीं ड्रग से जुड़ा हुआ केस था। इसके बाद में ये हाल ही का बात है, 11 साल में एक फिर हमारा गांव का एक नौजवान का मारधर हुआ, तो उसका भी कोर्स को जब हमने पता लगाया तो मालूम चला वो दारू का भय से हुआ है। तो आप देखिए दारू और ड्रग जो है जान ले रहा है, तो इसे ये सिर्फ निको बांगो का ही नहीं है, आप मरते तो निको बांगो के, जान तो कोई और ले रहे ना। तो हमारी परंपरा में एज ए लोकेलिटी में इसको भी मानते हैं, बहुत अशुभ मानते हैं, आप किसी का मारधर करो किसी का जान ले लो, इसके बाद में आपको कोई भी माला पहना के तो स्वागत तो नहीं करता है, कोई भी अपना घर में ऐसे शुभ दिन में उसको पावर रख नहीं देता है। तो ये है, तो ये सब चीज़ को हम लोग देखते हुए यहाँ में आज। और एक चीज़ है, आप आज का ज़माना में देखिए और बढ़ चढ़ के जो भारत सरकार है इसका नारा भी लगाता है स्वच्छता, कि सबसे ज़रूरी चीज़ आज के ज़िंदगी जीने के लिए किसी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो स्वच्छता। तो आप देखिए ये हिसम का आगे वाला जो शमशानघाट का सामने वाला गार्बेज डंपिंग को भी लेके हमने कितना बार गुहार लगाया सरकार से और कर्त में भी अभी भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ में भी देखिए, यहाँ में भी सिर्फ 2 महीना का मोहलत मांगा, ये अभी नया साइट बन रहा है तो उसके लिए 2 महीना का मोहलत मांगा, मोहलत दिया कोर्ट ने, तो उसका भी पालन करते हुए हम लोग अभी टेम्प्रोरीली अर्बन डिपार्टमेंट को वहाँ में डंपिंग करने दे रहे हैं। लेकिन हम लोग का इतना सेक्रीफाइस, हम लोग तो बोलने से निको बांगो वाला हमारा 3 गांव वाला जाके तो उधर कचरा को नहीं फेंकता है, गंदगी कोई और करता है, लेकिन हम लोग जाके वहाँ सोशल सर्विस तक भी करता है, लेकिन ये मैसेज किसी का दिल तक अभी तक सही ढंग से नहीं उतरा है। तो यहाँ मैं थोड़ा नाराज़गी भी जताना चाहूँगा पूरा आलोवासियों के लिए, और सिर्फ आलोवासियों के लिए भी नहीं है, जो जहाँ से मालगाड़ी आते हैं ट्रक पिकअप वगैरह वो सब भी इस तरह के घटिया हरकत करते हैं। तो आज का डेट में जो स्वच्छता को जिंदगी का एक जीने का सिद्धांत माना जाता है, स्वच्छता को इज्जत से जोड़ कर देखता जाता है, कहते हैं ना स्वच्छता ही जिंदगी स्वच्छता ही इज्जत, अब जब इसको इस तरह से आप देखेंगे तो क्या ये निको बांगो का इज्जत को खिलवाड़ नहीं करता है, क्या ये हमको चैलेंज नहीं करता है, तो इस तरह का होता है। तो आज से जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी किसी को भी यहाँ रास्ता बगल में या हमारा एरिया में कहीं में भी ड्रग्स यूजर ड्रग्स पेडलर किसी को भी हम ऑन द स्पॉट पकड़ेंगे और या फिर साबुत का साथ पकड़ेंगे तो हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको हम एक्शन में जाएगा, पुलिस में एफ आई आर करेंगे केस करेंगे, और जो भी यहाँ दारू पियेंगे शराब पियेंगे उनको भी सीधा हम 2D एक्शन में जाएगा उसके उसको भी हम FIR करेगा, और खास करके हमारे जितना भी यहाँ रोड साइड में नया नया दुकान खुला हुआ है उन सबको भी हम रिटर्न में नोटिस भी दिया हुआ है कि आप कृपया करके इलीगल यहाँ सेलिंग मत कीजिए, कि हम लोग निको बांगो को ड्राई रखने के लिए कोशिश करता है, जितना भी निको बांगो का अभी तक दुकान है सभी को हमने नोटिस दिया और सब रूल्स का पालन कर रहा है, ड्राई रखने का कोशिश कर रहा है, तो हमें साथ दीजिएगा। और कोई भी दुकान यहाँ में इलीगल सेलिंग करते हुए पकड़ेगा तो निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी सीधा जो है उसको एक्शन में FIR करेंगे वो है। और इस तरह का और साथ साथ में इस तरह का आप ओवर स्पीडिंग देख सकते हैं, इस तरह से ओवर स्पीडिंग भी करके जाते हैं PK। और साथ साथ में एक लास्ट में एक जोर कर आंट में एक बात करना चाहूँगा, ये आई लव यू आलो में आई लव आलो में हम इसलिए कराए कि ये बहुत महत्व रखता है। देखिए ये साइट्स को इसलिए बनाता है कि इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए कि कोई सीखे टूरिस्ट का यहाँ टूरिज्म का मान्यता किस तरह से हम कर सकते हैं, इसका महत्व क्या है आने वाला ज़िंदगी में, ये हमारे लिए इनकम सोर्स का वजह बनने जा रहा है कोच बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ करते क्या है कि लोग आते तो है शानदार पोशाक के साथ शानदार फोटो भी खींच के आपते यादगार में बना के जाते हैं, लेकिन यहाँ में आके वो साहेब आलो से भी आता होगा
या पासीघाट से पांगिन से होकर भी आता होगा, कई जगह से भी आता होगा, अपने साथ कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान लेके आता है, खाता पीता है, उसको यहाँ कूड़ेदान कहाँ में करता है, गंदगी इधर ही फैलाता है, तो साफ सफाई कौन करेगा? फिर निकोबांगों का ऊपर बोझ पड़ता है। और दारू हाथ में यहाँ कोई भी शाम को आता है, दिन को आता है, कोई भी यहाँ थोड़ा मौज करने मस्ती करने आता है, हाथ में जरूर दारू लेके आता है। वो क्या करता है, दारू को भी पी करके उसका जो केन का डिब्बा होता है, बोतलें होता है, और चिप्स का पैकेट, मिठाई का पैकेट, हर तरह का वो कचरा इधर ही फेंका हुआ होता है। देखिए तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो टूरिज्म साइट्स बना हुआ था, विजिटिंग साइट्स बना हुआ था, रिलैक्सेशन रिक्रेशनल साइट बना हुआ था, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट कर रहा है, तो इसको भी लेकर हम लोग थोड़ा दुख है। तो अभी देखा गया कि हमारे ऑल इंडिया में स्वच्छता को लेकर सब पब्लिक लोग फॉलो किया जा रहा है, लेकिन स्पेशली यहाँ में देखेगा कि गंदगी जरूर पब्लिक फैला रहा है, लेकिन यहाँ में देखेगा कि एक भी डस्टबिन नहीं है। तो इसको लेके आप लोग अभी निकोबांगो वेलफेयर सोसाइटी डस्टबिन के लिए क्या स्टेप लेगा? ये देखिए बहुत ज़रूरी बात आपने कहा कि ये बात जो है ये इसका सोल्यूशन सिर्फ डस्टबिन का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक जिम्मेदारी ज़रूर है कि जो भी जो दुकान है उसका सामने उसका बगल में एक डस्टबिन ज़रूर रख सकना चाहिए। और ये जो स्ट्रक्चर है आई लव आलो, खास करके जब इसका बात जब करेंगे तो ये एक मेन विजिटिंग साइट्स होता है, यहाँ में अभी तक ये ऑनगोइंग है, कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, जब पूरा होंगे तब हमारा साइड से भी देखेंगे। और जो डिफरमेंट है और कौन सा डिफरमेंट और इसको जो बनाया वो कंपनी टीटीसी इंफ्रा इंडिया को भी और यहाँ का पब्लिक को भी तो रिक्वेस्ट है, हमारा साइड से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप भी अगर थोड़ा देर बड़ा कीजिए और डस्टबिन थोड़ा सा एक हम लोग को डोनेशन भी करते हैं तो वो भी एक थोड़ा सा एक काम कर जाएगा। ओके, तो आप लोग पहले जब पेट्रोलिंग करते समय एक ऐसे सुनने को आए थे कि हमारा जो 31 आलो ईस्ट का MLA है यहाँ में परमिशन दिया है तो हम लोग क्यों नहीं पी सकते, ये एक सुनने को भी आया था, तो इसको पर आप लोग आपको क्या कहना है? देखिए इसका ना सर ना इसका फाव, और हमारे जानकारी में बिल्कुल ऐसा कुछ बात नहीं है। कहाँ में कहा गया, अगर कहा गया तो ऐसे बारबेली जब कहा भी गया तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। अगर वो MLA का भी बात नहीं है, कोई भी हो, कोई भी एक कॉमन पब्लिक भी हो, अगर इस तरह से उसका दिल में कोई सोच है, कोई आइडिया है, तो उसका एक प्रोसीड्योर है कि आप रिटेन में लिखिए हमारा ऑफिस को, NBWS ऑफिस को, निकोबांगो वेलफेयर सोसाइटी को लिखिए, हम उसको भी कंसिडरेशन करेगा कि किस तरह से इसका आउटपुट निकाल सकता है, तो इसका सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन क्या है उसको भी निकाल सकता है। तो हम लोग बिल्कुल ये बात को हम लोग का नॉलेज में बिल्कुल ये नहीं है कि इस तरह से कोई भी एंडोर्समेंट कर रहा है कि यहाँ में फ्रीली आके घूमना है, फ्रीली कोई शराब बिक्री करो, यहाँ शराब का सेवन करो, इस तरह से किसी का साइड से भी ऐसा कोई हमारा पास में नॉलेज नहीं है। ओके, तो हम लोग का समझ में देखा गया कि जितना भी वार्निंग दो वो एक ज़्यादा से ज़्यादा एक 3-4 दिन ही सुन सकते हैं, फिर वही काम शुरू किया करता है। तो आप लोग आज पेट्रोलिंग करते समय आप लोग फाइनल वार्निंग दिया है, तो अगर उसको नहीं सुन के बार बार जो करता है उसको आप लोग किस तरीके से एक्शन लिया? देखिए इसका एक सीधा संबंध है, हमने कुछ नहीं करना है, अभी जो भी है आज शाम का जो पेट्रोलिंग है वार्निंग है, और जितना भी यहाँ में हमारा निकोबांगो का अंदर दुकान पड़ता है, वेंडर्स पड़ता है, उन सबको रिटेन में नोटिस दिया गया है, वार्निंग नोटिस, डायरेक्ट फाइनल नोटिस। तो इसके बाद में किसी को भी पकड़ता है इलीगल करते हुए या दारू पीते हुए, हमारा रेस्ट्रिक्शन को वायलेट करते हुए पकड़ता है, तो इसको सीधा हम लोग FIR करेंगे उसका, और आगे पीछे कोई बोलने वाला बात नहीं है। और जहाँ तक आप जब प्रशासन का बात करेंगे, गवर्नमेंट का बात करेंगे, तो इसमें देखिए निकोबांगो वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस ने डिप्टी कमिश्नर को हम लोग लिखा रिटेन में कि हमारा जगह में इस तरह का हम लोग एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो इसको आप लोग देखिएगा। और साथ साथ में हम लोग स्पेसिफिकली उसको क्लियर एंड कट में बोला है कि पुलिस पेट्रोलिंग किया जाए, तो उसको भी हम लोग लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ में उस दिन हम लोग जब डिप्टी कमिश्नर के साथ में जब मीटिंग हुआ तब भी हम लोग डिप्टी कमिश्नर के साथ में एक एक्स्ट्रा पार्सू किया है कि आप जब पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे तो साथ में एक मजिस्ट्रेट हो और साथ साथ में टैक्स एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आलो भी साथ में हो, तो ये भी हम लोग ने एफिल में डाला, तो शायद वो जरूर कंसीडर भी किया और
लागू भी हुआ, लेकिन जिस तरह से लागू होना चाहिए वो ना काफ़ी है। तो थोड़ा इसको भी लेकर हम लोग थोड़ा सा दुख है कि इसको अगर ये मैसेज को कुछ डिप्टी कमिश्नर या ऑफिस ऑफ एसपी पुलिस कुछ देख भी पा रहे हैं तो एक बार इसको फिर सोच के देखने से ठीक है। हम लोग का जो सबमिशन दिया था, हम लोग के साइड से जो अप्रोच हुआ है, तो उसको एक बार अच्छा से सोच के इम्प्लीमेंट करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा।